नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन और पाइए नवी मुंबई और पनवेल से जुड़े ताजा तरीन खबरें। नवी मुंबईमध्ये राहणाऱ्या वनिता अय्यर यांना बेस्ट एम्प्लॉयचा राष्ट्रीय पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले आहे। केंद्र शासनाकडून दिव्यांगजन सशक्तीकरणच्या हेतूने राष्ट्रीय पुरस्कार देण्यात आला आहे। वनिता यांना दुसऱ्यांदा हा पुरस्कार मिळाला आहे। पहिला राष्ट्रीय पुरस्कार हा रोल मॉडेल फिमेल म्हणून देण्यात आला होता। जन्मापासून वनिता यांना ऐकू येत नाही, पण त्यावर त्यांनी मात करून सर्वसामान्य माणसापेक्षाही कला, नृत्य, कराटे, ॲक्टिंग सारख्या प्रत्येक क्षेत्रात आपला ठसा उमटवला आहे। असे सर्वगुण संपन्न असलेल्या वनिता यांचे सर्वत्र कौतुक केले जाते। जन्मतच ऐकू येत नसलेल्या वनिता यांना आपण सगळ्यांपेक्षा वेगळे नाही आहोत, उलट देवाने आपल्याला जास्त दिले आहे हे सिद्ध करून दाखवले आहे। 8 वर्षाचे असताना त्यांनी आपले कराटेचे शिक्षण पूर्ण करून ब्लॅक बेल्ट मिळवलं आहे। याचबरोबर भरतनाट्यमचे प्रशिक्षण घेतले आणि स्विमिंग चित्रकलांसारखे देखील विद्यार्थ्यांनी अवगत केले आहेत। वनिताच्या या यशामागे तिचे संपूर्ण कुटुंब नेहमीच पाठीशी असतात। तिच्या या यशाने कुटुंबाला आनंद झाला आहे। बहुत खुश है क्योंकि एक बार मिलना ये बहुत बड़ी बात है, तो दूसरी बार ये इतनी छोटी उम्र में। ऑफ कोर्स उसका क्रेडेंशियल्स इतने हैं कि वो आगे है भाई। क्या है कि वो इतना सारा उसका पेपर में, मीडिया में आ गया कि सब लोग को उसका बारे में भी पता ही चल गया होगा। इसलिए जो उसके बारे में ज़्यादा बोलने से अच्छा ये है कि उसके जो कोलीग्स है ऑफिस में, जो सोशल सर्किल में, उस ना उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड शी इज़ वर्किंग एज ए नॉर्मल, बेटर देन ए नॉर्मल पर्सन। शी इज़ एबल टू अंडरस्टैंड एवरीबडी, शी इज़ एबल टू मिंगल विद एवरीबडी, शी ड्राइव्स डाउन टू ऑफिस। एंड उसका कोई दिक्कत एक्सेप्ट दैट उसको सुन नहीं रहा, बाकी तो सबसे आगे ही करते हैं। मतलब तो ऑफिस में भी बहुत सपोर्ट करते हैं वो लोग, तो शी इज़ एबल टू डू सो वेल। एक ज़माने में वो जब भी बच्चा एकदम छोटा बच्चा था तो हमको भी यही लगता था, लेकिन हम उसको एडवांटेज करके ले लिए। उसको सब फील्ड में उसको इनक्रेज किया, कोई भी फील्ड छोड़ा नहीं कि वो नहीं किया है, हर फील्ड में उसने कॉम्पीट करके आगे आया है। तो हम उस पेरेंट्स को, बच्चे को यही बोलेंगे कि निराश नहीं होने का, जो भी है आगे बढ़ो, एक दिन आपको सक्सेस 100% मिलेगा। हार्ड वर्क करो, ऊपर भरोसा रखो भगवान का, ऊपर आप सक्सेस हो जाएंगे। एंड शी इज़ ए लिविंग एग्जाम्पल फॉर दैट। सेकेंड टाइम इनको नेशनल अवार्ड मिला है, सो मेरी एज सच मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि दिव्यांगजनों को जो है वो अलग रखना चाहिए, और इंस्टेड उनको सिंपैथी के इससे देखने के जगह दे उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए, और अगर करेक्ट एनकरेजमेंट वगैरह मिलता है सो एवरीवन कैन डू दैट। सो ऐसा उनको कोई अलग से सिंपैथी से देखने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ व्हाट शी हैज़ प्रूव्ड नॉट ओनली फर्स्ट टाइम बट ऑल्सो सेकेंड टाइम। सो एंड मेरे डे टू डे लाइफ में मुझे ऐसा इनके साथ बात करने में या इनको समझने में फ्रॉम द डे वन मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं गई है। सो मुझे नहीं लगता है कि इनफैक्ट आई डोंट इवन कॉल हर एज अ दिव्यांग। फॉर मी शी इज़ मोर देन अ नॉर्मल पर्सन। हमारी फैमिली में एवरीवन इज़ एक्साइटेड बिकॉज ये लाइक हमारी फैमिली में दिस इज़ द फर्स्ट पर्सन जिनको नेशनल अवार्ड से संबोधित किया गया है। एंड तो एवरीवन इज एक्साइटेड इन माय फैमिली। वनिता यांना आतापर्यंत 2 राष्ट्रीय आणि 1 राज्यस्तरीय पुरस्कार तसेच विविध पुरस्कार मिळाले आहेत। सध्या त्या नवी मुंबईमधील एका इन्शुरन्स कंपनीत क्लास 1 ऑफिसर म्हणून काम करत आहेत। वनिता यांच्या यशामुळे दिव्यांग व्यक्तींना नेहमीच प्रोत्साहन मिळत राहील। ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई आवाज़।